नमस्कार सर, कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ पंजाब केसरी से। मेरी मेरी बात सरवन सिंह पंदेश जी से हो रही है जो किसान आत्मा है। जी 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 पंदेश साहब, अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है शंभू बॉर्डर खोलने पर, कि जो बॉर्डर है अभी नहीं खोले जा सकते क्योंकि हरियाणा सरकार ने पटीशन डाली थी ना खोले जाने के लिए। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? हाँ, देखिए, हरियाणा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है बॉर्डर बंद करने के लिए। ये बॉर्डर बंद जितनी देर रह रहा, लंबा चल रहा, इससे पंजाब हरियाणा के जो व्यापारी हैं उनकी समस्याएं बढ़ रही है, पंजाब की आर्थिकता पर इससे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पंजाब के ट्रांसपोर्टरों का भी बुरा प्रभाव पड़ रहा और आम जनता को भी तकलीफ हो रही है। लेकिन पंदेर साहब, वो इन चीजों के लिए आप ही कोई जिम्मेदार, जो किसान बैठे हैं उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं फिर इस चीज को? नहीं, देखिए, हमें तो तब जिम्मेवार ठहरा है ना अगर रास्ता हमने रोका हो। हमारी ओर से तो रास्ता बंद नहीं है, हम तो कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके आप रास्ता खोलिए। आसपास के रास्ते का बुरा, बहुत बुरा हाल है। हम तो कभी भी नहीं कहते भी हमने रास्ता रोका। अब ये हरियाणा और केंद्र ही जिम्मेवार है जो रास्ते को खुलना नहीं दे रहा और समस्या और बढ़ेगी। हम तो ऐसी आशा करते थे भी न्यायपालिका ने अगर रास्ता खोलने का निर्णय दिया है तो ये लागू होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सर जो फैसला सुनाया है, तो फिर आप जैसे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि किसानों को आगे जाने दिया जाना चाहिए, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐसे ले लिया, तो फिर अभी आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आप विरोध प्रदर्शन जैसे और बढ़ाएंगे पंजाब में या हरियाणा में या बाकी के राज्यों में? क्या होगा आपका, आगे की रणनीति कैसे होगी? देखिए, जो आज का कुछ भी निर्णय उसकी तो पहले कॉपी लेंगे, फिर दोनों फोरम बात करेंगे ऑफिशियली, तो फिर ही बोलेंगे। बाकी हमारा जो आंदोलन चल रहा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा, जो कार्यक्रम हमने अनाउंसमेंट किए वो होते रहेंगे। जी अच्छा, पंदेर साहब, एक ना रवनीत सिंह बिट्टू ने एक मुद्दा उठाया था, उन्होंने बताया बोला कि जब किसान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाते हैं तो वहां पर भी अपनी बात रख सकते थे, जितने भी किसान गए थे, आप भी वहां गए थे, डलेवाल साहब भी वहां पर थे और भी थे, तो वो उन्होंने कहा कि जब किसान दिल्ली पहुंच ही गए तो अपनी बात वहां पर रख लेते, तो इतना बड़ा ताम झाम लेकर जाने की क्या जरूरत है, ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाने की क्या जरूरत है? ये उन्होंने भी बात बोली है। देखिए, रवनीत बिट्टू जी को इसीलिए लाया गया मुस्लिम को डील करे कि किसके सामने बात रखते। भाई सरकार है, हमने तो अपनी ओर से किसी का दरवाजा नहीं बंद किया। पहले चार मंत्री आए यहाँ चंडीगढ़ में बात करने, हमने की, सरकार के पास सारी हमारी बात तो गई हुई है, अब निर्णय सरकार को करना है। देखिए ना, देश की राजधानी है, देश का संविधान हमें भी पीसफुली आंदोलन करने का हक देता है। राजधानी रवनीत बिट्टू की भाजपा पार्टी की थोड़ी ना है, जो रवनीत बिट्टू जी चाहेंगे वही होगा। तो अगर हमारी या तो बात माने या तो हमें आंदोलन करने दे। अगर आपको लगता है कि आंदोलन बंद होना चाहिए तो हमसे बैठ के निपटारा कर दें बातचीत से। तो बैठ के तो पहले भी केंद्र सरकार के नुमाइंदों ने की है, तो फिर उसका तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, उन्होंने जो आपको प्रपोजल दिए थे आपने सेट नहीं किए। हाँ, देखिए, उनके प्रपोजल रिस्पेक्ट करने, उसको करने वाले नहीं थे भी हम उसको मान ले, तो वो जब चाहेंगे, उनका अभी दिल ही नहीं करता मसले का हल करना। जब वो चाहेंगे हमारी बात को भी, वो समझते हैं अच्छी तरह से, इनडायरेक्टली तौर पे, इनफॉर्मल तौर पे हमारी बात भी मानते हैं वो मीटिंगों में। अब क्यों नहीं लागू करते ये तो वो जानते हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जो अभी चर्चा हो रही थी कि जो पुलिस ऑफिसर बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन 2 को रोकने की कोशिश की, उसमें कामयाब रहे, तो उनको सम्मानित किया जाने का जो मसला था, तो अभी आपको लगता है उसके बारे में कोई फैसला वापस लिया जा सकता है? कोई आपके पास अपडेशन आई हो? हाँ, देखिए, मेरे पास तो नहीं, फिर भी हमारा लोकतांत्रिक हक है, हमने अपने बात कही है। अभी जिन जो भी अभी संविधानिक पद पर बैठे हुए जितने पार्लियामेंट से आए हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ली आ रही, ऑफिसरों ने भी ली, और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। जो राइट टू हमारा है अभी प्रदर्शन करने का, उसको जिन अफसरों ने कुचला है, जिन सरकार ने कुचला, उनको सम्मान करें जिन्होंने किसानों के खून से हाथ रंगे हैं। ये तो बुरी बात होगी पूरे देश के लिए और पूरे देश को गलत संदेश जाएगा। ये तो जलियांवाले बाग वाली बात होगी भी, जो हमारे ऊपर गोलियां चलाए, सम्मान भी उनका हो। तो हम तो चाहेंगे भी ये फैसला रद्द हो। अब करना या ना करना क्या करती है सरकार देखेगी।
ठीक है पंडित साहब, आपसे मेन बात तो यही करनी थी कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हरियाणा सरकार वहां चली गई और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा किया जाता है, बॉर्डर खोले जाते हैं, तो जो कानून की व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, ये पक्ष उन्होंने रखा है। आप कैसे मानते हैं? देखिए, पंजाब भी एक राज्य है, यहाँ का अमन कानून हरियाणा से बेटर है। सरहद के इस पार तो अमन कानून को कोई खतरा नहीं, पिछले 5 महीनों से कोई खतरा नहीं, तो सरहद के आगे जाने से कौन सा खतरा हो जाएगा? ये मनोकल्पित बातें हरियाणा सरकार करती रही है, केंद्र करता रहा, तो वो देश के बड़े सर्वोच्च न्यायालय के सामने झूठ रखकर, असत्य रखकर अपनी बात पर अड़िक रहना चाहते हैं, रास्ता नहीं खोलने की उनकी मर्जी है, लेकिन उनकी बात में कोई सच्चाई तो नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया पंडित साहब, पंजाब केसरी के लिए बात करने के लिए आपका धन्यवाद।